हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम जो 14 मई 14 को हुआ था, उसका रिजल्ट, क्योंकि एग्ज़ाम लगभग 14 दिन यूपीएससी से पहले हुआ था, तो उसका रिजल्ट लोगों को लग रहा था कि यूपीएससी के रिजल्ट से पहले दिन पहले आ जाएगा, लेकिन यूपीएससी का रिजल्ट पहले दे दिया गया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि यूपीएससी में जो सी सेट को लेकर के और जीएस फर्स्ट पेपर को लेकर के जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इस वजह से शायद यूपीएससी ने 3 से 4 दिन पहले अपना रिजल्ट दे दिया है। तो यूपीपीसीएस के रिजल्ट का क्या होगा, जो 14 मई को एग्ज़ाम हुआ था? तो यूपीपीसीएस के रिजल्ट का भी आपको वेट करना पड़ेगा। सबसे बड़ा ये कारण है कि आयोग ने, ठीक है, यानी यूपीपीएससी ने जो भर्तियों की लिस्ट मांगी थी स्टेट से, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है कि किस हिसाब से। देखो, भर्ती का रीज़न ये होता है ना कि मान लिया 100 वैकेंसी हैं तो 10,000 लोग करीब मेंस क्लियर होते हैं, 10 गुना। और उसके बाद जब प्री का रिजल्ट हो जाता है तो मेंस एग्ज़ाम करीब 10,000 लोगों के लिए कंडक्ट कराया जाता है। उसके बाद जब इंटरव्यू कॉल आता है तो लगभग 2 से 2,500 लोगों को, या इससे भी कम कह दे सकते हो, 1,000 लोगों को, 10 गुना लोगों को इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाता है। इस बार यही कारण हुआ है कि यूपीएससी में एक तो जो पेपर हुए थे, सबसे पहले अगर पेपर की बात करें तो जो आपका जीएस पेपर वन हुआ था, जीएस पेपर वन में क्या प्रॉब्लम थी? जीएस पेपर वन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो क्वेश्चन को, उनको आपत्तियाँ मांगी गई स्टूडेंट से। आपत्तियाँ आने के पश्चात क्या किया गया, बहुत सारे क्वेश्चन को पुनः विचार किया गया। और लगभग अगर देखा जाए तो पीसीएस में हर साल लगभग 10 से 12 क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, डिलीट कर दिए जाते हैं। तो इस बार भी कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन डिलीट किए जाएंगे शायद, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनके ऑप्शन, ठीक है, में प्रॉब्लम थी। कुछ ऐसे थे जिनके प्रश्न ही गलत दिए गए थे, ठीक है, उनके उत्तर तो सही होने की संभावना नहीं है, तो इस हिसाब से आपत्तियां मांगी गई थी और काफ़ी क्वेश्चन गलत किए गए हैं। यही क्वेश्चन जो डिलीट किए जाते हैं या जो गलत हो जाते हैं, यही आपके फेलियर का सबसे बड़ा कारण होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जो भी प्रीलिम्स देने वाले हों, उनको ये याद रखना है कि जो क्वेश्चन गलत है उनको किसी भी तरह से नहीं करना है, क्योंकि वो डिलीट कर दिए जाते हैं और उनकी मार्किंग शायद आपको बेनिफिट ना पहुंचाए। यहाँ पर वो लोग फायदा उठा ले जाते हैं जिनकी मेरिट कम है। इसी हिसाब से पीसीएस की मेरिट हर बार कम से कम तक होती जा रही है प्रीलिम्स की, ठीक है। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट जो भी लेना चाहते हैं, जिनकी, अगर जिन्होंने अपनी आंसर कीज मिलाई हैं और आंसर की के हिसाब से उनके 95 के आसपास या 90 या 95+ बन रहे हैं प्रश्न, अगर इतने क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं, तो उन्हें बिना सोचे समझे मेंस की प्रिपरेशन कर देनी चाहिए। क्योंकि मेंस में इस बार पैटर्न बदला है, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट थे फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, उनको हटा दिया गया है। उसके जगह पर जीएस के 2 और पेपर, पेपर 5 और पेपर 6 को इंट्रोड्यूस किया गया, यही चेंज हुआ है। और पीसीएस में ज़्यादा कुछ विशेष बदला नहीं है, लेकिन हाँ, इस हिसाब से अगर मेंस को देखा जाए तो इस बार मेरिट कम जाने की संभावना है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी तक जो 1,000-1,200 नंबर निकल जाती थी, तो इस बार उतना ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि सिलेबस सबके लिए नया होगा। पहले क्या होता था, अगर पहले की बात करें तो एक हिंदी का पेपर होता था, ठीक है, 150 नंबर का। एक एसी पेपर होता था 150 नंबर का, और उसके बाद 200-200 नंबर के 4 पेपर होते थे, फर्स्ट जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर, ठीक है। और ऑप्शनल पेपर होता था, उसके 2 पेपर होते थे, ऑप्शनल फर्स्ट एंड ऑप्शनल सेकेंड, ठीक है। ये पेपर होते थे तुम्हारे 4, 2, 6, 2, 8 पेपर होते थे। इस बार क्या किया गया है, इस बार ये पेपर को हटा दिया गया है। इसका सबसे बड़ा कारण था कि स्केलिंग होती है, स्केलिंग में जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं उनका रिजल्ट कम हो जाता है, और जो साइंस वाले बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनका नंबर ज़्यादा आ जाता था, इसलिए इस ऑप्शनल को हटा दिया गया है। अब इसकी जगह पर क्या किया गया है, 2 पेपर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, पेपर 5 और पेपर 6। इसका सिलेबस मैं पिछले वीडियोस में डिस्कस कर दिया है, और लिंक में जा करके आप देख सकते हैं, वीडियो प्लेलिस्ट भी पड़ी है, वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो भी अभी तक स्टेट में इन चार पेपरों में स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। यानी ये जो चार पेपर होंगे ये पूर्णतः यूपीएससी के पैटर्न पे ही होंगे, स्टेट का अब ज़्यादा इसमें कुछ होगा नहीं। यहाँ पर लेकिन उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश का एनवायरनमेंट, उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर, उत्तर प्रदेश के है ना इनोवेशन, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी जीआई टैक्स हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश का साइंस एंड टेक, ठीक है, इस तरह से ये पांच और छह पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, दो दो सौ नंबर के होंगे भाई। अभी तक ये भी दो दो सौ नंबर के होते थे तो ये भी दो दो सौ नंबर के होंगे। 400 नंबर का जो ऑप्शनल था उसकी जगह पर दो जीएस के पेपर ऐड किए गए हैं। अब यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जिनका स्टेट बहुत अच्छा है उनके लिए तो ज़्यादा इशू होगा नहीं, खासकर यहाँ पर ह्यूमैनिटीज के बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। अभी तक क्या होता है, जो सिविल की प्रिपरेशन करते थे वो पीसीएस बैठ करके मेरिट को बढ़ा ले जाते थे, इस बार ऐसा नहीं होगा। जीएस के चार पेपर की जो जिस हिसाब से मेरिट जाती है तो इन पांच और छह नंबर के पेपरों की मेरिट भी उसी प्रकार के जाएगी। तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें, मेंस की प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है वो तो जब 40% है, 60% जो मार्किंग होती है वो आपको लिखने के हिसाब पे होती है कि आपने प्रेजेंटेशन कैसा किया है। तो वो सारी चीज़ें आपको करना है, रिजल्ट आ ही जाएगा, ठीक है। जिनको लग रहा है कि नहीं मैं पास हूँ, वो मेंस की प्रिपरेशन बिना कोई देरी किए करते रहें, क्योंकि आठ पेपर हैं, है ना। आठ पेपर में दो नए पेपर इस बार इंट्रोड्यूस हुए हैं, किस हिसाब से पेपर आएंगे, कैसे क्या होगा, इसके विषय में थोड़ा सा अनुमान लगाना कठिन है, ठीक है। तो आपके सिलेबस से ही आएंगे, बस आपको सिलेबस का जो दायरा बढ़ाया गया है उस सिलेबस को आपको डिटेल करना। हिंदी इंग्लिश सॉरी हिंदी और एशी का पेपर काफ़ी अच्छा रोल अदा करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है, रिजल्ट आ जाएगा लगभग लगभग 1 वीक, विद इन 1 वीक या नेक्स्ट वीक, यानी 30 जून के पहले पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि आपकी 24-25 सितंबर से आपकी मेंस है, जैसे यूपीएससी की मेंस समाप्त होती है ये मेंस स्टार्ट हो जाती है ना। तो आप उन चीज़ों को ध्यान दें, और जहाँ पर आपकी कमजोरियाँ हैं उन चीज़ों को लेकर के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और चीज़ों को करते रहें। यूपीएससी में सीसेट को लेकर के जो कंट्रोवर्सी चल रही है, दिल्ली हाई कोर्ट वगैरह, देखो क्या बदलता है। मुझे बहुत ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश तो नहीं लगती, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चेंज होने की संभावना है, क्योंकि तो जो लोगों के साथ गलत हुआ है उसे थोड़ा सा सही करना चाहिए। और नेक्स्ट जो भी लोग पीसीएस है ना, पीसीएस 2024, जो भी लोग 2024 का अटेम्प्ट लेने वाले हैं, प्री प्री में आपके जो जीएस जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकंड पेपर, इसमें तुम्हारा वही हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स, ठीक है, साइंस एंड टेक और करेंट, ये यूपी से रिलेटेड करीब इस बार 10 क्वेश्चन पूछे गए, और करेंट से रिलेटेड कम से कम 30 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये लगभग 40-50 क्वेश्चन जो आपको मैगजीन बेस्ड आते हैं उसमें उत्तर प्रदेश का विशेष रोल होता है। सेकेंड पेपर में वही तुम्हारा मैथ, रीजनिंग, हिंदी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश के भी क्वेश्चन आते हैं 10, ठीक है। आपको यहाँ पर 33 क्वेश्चन सही करने होते हैं, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है। 33% सही कर लोगे तो आपका ये हो जाएगा, फर्स्ट पेपर में आपको 90 से लेकर के 95 क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं। तो ये मान के चलिए आप बिना रिस्क के प्री हो जाएंगे। तो ये करना है, ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। सेकेंड पेपर को विशेष फोकस देना है, क्योंकि इस बार आईएएस ने बदला है, हो सकता है अगली बार पीसीएस भी बदले, क्योंकि जब भी आईएएस में मारामारी होती है तो पीसीएस में कंपटीशन बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करें, जो नॉन आईएएस एग्जाम देने वाले हैं या जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करते, सिर्फ पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं, तो थोड़ा और फोकस करें, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ने वाला है, तो थोड़ा सा मेहनत करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।